Hello everyone, good afternoon and welcome back my channel that is Literary Exam by Mamta Verma. So we were continuously doing the work of William Shakespeare as we have taken many classes on the work of important work of William Shakespeare, like we have completed all the tragedies of William Shakespeare and tragic romance and comedies of like romantic comedies of Shakespeare. Okay, so next today in this class I'll discuss to the next important comedy of William Shakespeare. Okay, from where the question is asked. Okay, so that is the Tempest. Tempest is a pure comedy which was composed in 1610 or 11. So guys, I have already written the characters information because it takes long time and तो जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाता है, इसकी वजह से मैंने ऑलरेडी सिर्फ करेक्टर्स के नेम लिखे हैं। मैं ईच एंड एवरी करेक्टर को आपको रिमाइंड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टोरी को समझने के लिए आपको करेक्टर्स को जानना जरूरी है। ये टेम्पेस्ट है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमेडी है शेक्सपियर की जो काफी फेमस हुई थी उस टाइम में, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि ये मास्टर्स में भी सिलेबस में इसको लगा रखा है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसको सिलेबस में लगा रखा था, तो हमने वहां से भी पढ़ा था इसको बहुत डीप में। और यहाँ से जैसे किसी भी एग्जाम में जैसे मैंने नेट का दिया या फिर एसचैट का, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट है एक दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछ ही लेते हैं यहाँ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो प्रोस्पेरो है, प्रोस्पेरो इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कॉमेडी एंड ही इज द ड्यूक ऑफ मिलान। सो मिलान इज द सिटी ऑफ इटली, ये एक इटली की सिटी है जहाँ का ये ड्यूक है, रूलर है जहाँ का, ये राजा समझ लो, ठीक है। एंटोनियो है वो इसका ब्रदर है, यंगेस्ट ब्रदर, ओके। एंड ही व्हाट ही डज, ओके, एंटोनियो है वो दूसरे देश का जो राजा है अलोंजो, इसके साथ मिलके क्या करता है, वो प्रेस्पोरो को है वहां से उसके पद से हटा देता है और वहां उस कंट्री से भी निकाल देता है, उस सिटी से उसको, ठीक है। तो एंटोनियो है ये एक बहुत ही मतलब एक डिसलॉयल ब्रदर है इसका यंगर, ठीक है। मिरांडा है वो इसकी डॉटर है प्रोस्पेरो की, और अलोंजो है वो किंग है नेपल्स का, ठीक है। सेबेस्टियन है वो अलोंजो का यंगेस्ट ब्रदर है, एंड फर्डिनांड है वो अलोंजो का सन है, फर्डिनांड, ओके। ट्रिंकुलो एंड गुंजालो है, दोनों वो कोर्टियर हैं एज ए लॉर्ड और सर्वेंट एज द किंग अलोंजो दोनों, ठीक है। तो इसमें जो ग्लोंजो है वो बहुत ही ट्रस्टेड और एक लॉयल सर्वेंट है जो प्रेस्पोरो की काफी हेल्प करता है जब उसको यहाँ से निकाला जाता है मिलान से, ठीक है। तो उस टाइम में अब साइकोरक्स क्या होती है, जब प्रेस्पोरो को एक निकाला जाता है, उनको दोनों को मिरांडा और उसको प्रेस्पोरो को शिप में बिठा दिया जाता है, तो वो शिपरेक के दौरान वो एक आइसलैंड पे पहुंचते हैं, ठीक है। और बाकी के 12 ईयर वो आइसलैंड पे ही रहते हैं, वहाँ हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, म्यूजिक सीखता है। तो साइकोरेक्स वहाँ की रूलर होती है, एक विच होती है साइकोरेक्स, एक चुड़ैल, ठीक है, जिसको जिसके पास काफी मतलब मैजिक होते हैं, ठीक है, और इसके पास पावर होती है जैसे कि सुपरनेचुरल पावर है, तो वो कोई भी रूप डिस्गाइज कर सकती है अपना, ठीक है। कैलिबन होता है वो साइकोरेक्स का ओनली सन होता है, जो हाफ एनिमल्स होता है और हाफ ह्यूमन बींग्स होता है, मतलब नीचे से बिलो द वेस्ट से एक मछली का शेप होता है उसका, और ऊपर से वो एक मतलब एक ह्यूमन बींग्स जैसा होता है। सो कैलिबन इसका ओनली सन है। एरियल होती है, इसको साइकोरस क्या है पनिश करती है, एरियल भी एक सुपर नेचुरल पावर होती है इसको, एरियल के पास, ठीक है, ये परी जैसी होती है, और इसको साइकोरेक्स ने पनिशमेंट देने के लिए पेड़ के से बांध दिया था उसको, ठीक है। फिर एरियल जब इस आइसलैंड प्रोस्पेरो जब इस आइसलैंड पे आता है तो वो इसको एरियल को फ्री करता है वहां से, ठीक है, और उसको अपना सर्वेंट बना लेता है, ठीक है। अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, एक सिप्रेक होता है, सिप्रेक मतलब एक जो पानी वाली जहाज होती है, नाव होती है, वो समुद्र में डूब जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो टेम्पस्ट स्टोरी है वो रियल इंसिडेंट बेस्ड है, क्योंकि 1608 में अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर 1608 में इंग्लैंड में एक सिपरेक हुआ था जिसमें काफी मतलब 200 नियर बाय जो पीपल थे वो उस शिप में थे, ठीक है। एंड शिप कुड नॉट रिटर्न बैक, ओके, सो द पीपल ऑफ द इंग्लैंड थिंक दैट द शिप
has already drawn into the Vasi, and all the people is also drawn and died into the sea. Okay, but after 1 month, 1 month ke baad the ship returns back into the England safely with all the peoples. So 1 month ke baad kya hota hai ki jo ship hota hai wo back aa jata hai return safely, jisme jitne bhi log the wo jeevit hote hain, theek hai. तो ये उस इंसिडेंट पे बेस्ड होता है, ये इंसिडेंट होता है वो इंग्लैंड में होता है उस टाइम में, ठीक है. अब स्टोरी कहाँ से होती है, प्रोस्पेरो इज ए सक्सेसफुल रूलर ऑफ द सिटी मिलान इन द इटली, ओके. बट हिज ब्रदर इज वेरी जीलियस, ओके. सी ही इज हर यंगेस्ट ब्रदर एंटोनियो, एंड ही ट्रिक्स विद द किंग ऑफ अलोंजो. वो क्या करता है, अलोंजो के साथ मिलकर दोनों ये प्लान बनाते हैं कि प्रोस्पेरो को वहां से उस कंट्री से निकलवा देता है, बैनिश कर देता है, उसको उसके पद से हटा देता है, ओके. और उस टाइम में उसकी जो डॉटर होती है मिरांडा, एंड शी इज ओनली 3 इयर्स ओल्ड, ओके. तो वो अपनी बेटी के साथ क्या करता है, उसको वहां से निकालकर और उन दोनों को एक शिप में बिठा देते हैं ताकि ये दोनों शिप में कहीं डूब के वहीं मर जाए दोनों. तो क्या होता है, प्रोस्पेरो और मिरांडा दोनों है वो शिप में बिठा दिए जाते हैं, लेकिन उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता कि वो भूख प्यासे से मतलब सी में डूब के कहीं मर जाएंगे, ठीक है. और उसके बाद है एंटोनियो उसका मिलान का ड्यूक बन गया, ठीक है. तो लेकिन जो गुंजेलो होता है वो एक ट्रस्टेड लॉर्ड होता है, वो उसकी प्रोस्पेरो की हेल्प करता है. वो क्या करता है, उस शिप में भोजन रखता है, उन दोनों के लिए पानी रखता है, और उसके साथ ही कुछ बुक्स रखता है, क्योंकि जो प्रोस्पेरो था वो एक स्कॉलर था, उसको पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है. तो वो इंटेलेक्चुअल बुक्स के साथ साथ काफ़ी मैजिक वाली बुक भी पढ़ता था. तो जितनी भी बुक प्रोस्पेरो की थी वो गुंजेलो ने उसमें सिप में उसके साथ ही रख दिया, ताकि वो उस बुक से आगे की अपनी स्टडी है वो उसको चालू रख सके, ठीक है. एंड नाउ व्हाट हैपेंड, प्रोस्पेरो इन द सिप, ओके, दे बोथ रीच्ड एट द आइसलैंड विच इज ओनर्ड बाई द विच साइकोरेक्स. अब दोनों बाप बेटी वो एक आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ एक विच होती है साइकोरेक्स, उसका रूल होता है, उसने उस आइसलैंड को कंट्रोल में कर रखा है, कोलोनाइज कर रखा है, ओके. नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ प्रोस्पेरो लर्न द मैजिकल यू नो लैंग्वेज, मैजिकल लर्निंग फ्रॉम द साइकोरेक्स. तो साइकोरेक्स से वो ब्लैक मैजिक सीखता है, ठीक है. और भी जो इंटेलेक्चुअल लर्निंग होती है या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, जैसे कंजर्स कैसे करते हैं लोगों को, जादू से डिस्काइज कैसे करते हैं, सब सीख लेता है उससे. और लास्ट में इसी को आइसलैंड से एग्जिट कर देता है, और बाद में वो पता नहीं कैसे वहाँ से मर जाती है साइकोरेक्स. तो उसका एक बेटा रह जाता है कैलिबन, ठीक है. अब वो कैलिबन को क्या करता है, ही इज ए ब्लैक पर्सन, ओके. तो इसको वो अपना सर्वेंट बना लेता है कैलिबन को. और एरियल जो ऑलरेडी एक पेड़ से बंधी हुई थी, जो साइकोरेक्स ने उसको पनिश किया था, तो एरियल को भी वो फ्री करके प्रोस्पेरो एरियल और कैलिबन दोनों को अपना सर्वेंट बना लेता है नाउ, ओके. सो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कैलिबन, ही ब्रिंग्स द फूड, ही डज क्लीनिंग द हाउस ऑफ द प्रोस्पेरो, ही ब्रिंग्स कलेक्ट द फूड फ्रॉम द जंगल एंड प्रिपेयर फॉर द प्रोस्पेरो एंड हिज डॉटर, ओके. तो वो जो कैलिबन है वो एज ए सर्वेंट जो प्रोस्पेरो के घर के जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, सफाई करना, जंगल से कलेक्ट करके लकड़ियाँ लाना, खाना लाना, फिर उसको प्रिपेयर करना दोनों के लिए, तो ये सब काम करता रहता है, ओके. नाउ प्रोस्पेरो है उसने, क्योंकि कैलिबन है वो एक साइकोरेक्स का बेटा था. अब जो प्रोस्पेरो है ही इज ए स्कॉलर, ओके, एंड ही स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. तो उसने क्या किया, क्योंकि कैलिबन उसकी लैंग्वेज नहीं समझता था, अब घर की जितनी भी एक्टिविटीज उसने कैलिबन परफॉर्म करता था तो वो उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता था. अब प्रोस्पेरो ने क्या किया, कैलिबन को पढ़ाना शुरू किया, उसको अपनी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसने सिखानी शुरू की, ओके. सो फर्स्ट वर्ड जो प्रोस्पेरो ने कैलिबन को सिखाया, ओके, वो था मास्टर्स, ओके, क्योंकि उसने बोला कॉल मी मास्टर्स नाउ, क्योंकि ये एक सर्वेंट बन गया था. तो मास्टर जो पहला वर्ड था जो कैलिबन को सिखाया गया था प्रोस्पेरो के द्वारा, एंड ही शेड, व्हाट ही शेड, नाउ कॉल मी मास्टर, कॉल मी मास्टर, मैं आपका मुझे मास्टर बुलाओ, आप मेरे सर्वेंट हो और मैं आपका एक ओनर, एक मास्टर हूँ, ओके.
तो यहाँ से क्या होता है, कैल्बन होता है, वो धीरे धीरे सब कुछ मतलब जो आइसलैंड पे जो पूरी बेसिक नेचर से रिलेटेड माउंटेन्स, रिवर्स, जो ट्रीज है, इनकी जो नेम्स है, ये क्या होते हैं, इनकी पूरी जानकारी ले लेता है। उसके साथ वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाता है, कैसे उसको बोला जाता है, ठीक है, प्रॉपरली। तो ना क्या होता है कि एरियल और जो उसकी डॉटर होती है मिरांडा, ओके, मिरांडा और जो कैलिबन होते हैं वो सेम एज के होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, कैलिबन इज स्टार्टेड टू लाइक मिरांडा, ओके, बिकॉज देर वॉज ओनली कैलिबन एक्सेप्ट हिज फादर हु इज नॉट ह्यूमन बींग्स बट हु इज हिज सेम हर सेम एज, ओके, क्योंकि दोनों साथ में बढ़ रहे थे उस टाइम में। 3 इयर्स की मिरांडा थी, कैलिबन भी छोटा ही था, दोनों ने साथ साथ ग्रो किया है, ठीक है। तो उनके साथ टाइम बिताता था, वो धीरे धीरे क्या किया, वो मिरांडा को पसंद करने लग गया, ओके, एंड ही वॉन्ट टू गेट मैरिड विद हिम, ओके। बट वेन सी रिजेक्ट देन वॉट ही डज, ही ट्राई टू रेप हर, ओके। बट वेन प्रोस्पेरो केम्स टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट देन ही ट्राई टू पनिश हिम, ही डिसाइडेड टू किल हिम। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो उसको कैनिबल को है वो जान से मार देगा। बट इट इज मिरांडा हु सेव हिम एंड ही शेड नो फादर, ही ब्रिंग्स अस फूड, ही कलेक्ट्स अस फ्रूट फ्रॉम द जंगल्स, ही डज क्लीनिंग आवर हाउस, सो हु विल डू दैट ऑल दिस डोमेस्टिक वर्क। उसने बोला कि ये हमारे लिए जंगल से लकड़ियाँ लाता है, फूड कलेक्ट करके लाता है, फिर उसको प्रिपेयर करता है, हमारे घर की सफाई करता है, तो इसके जाने के बाद ये सब काम कौन करेगा। तो उसके कहने पे, ठीक है, उसकी अपनी डॉटर के कहने पे जो प्रेस्पेरो है कैलिबन को छोड़ देता है, लेकिन वो उसको इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में अब्यूज करता है, ठीक है, कुछ गाली देता है। नाउ यू नो कैलिबन इज ऑलरेडी नो इंग्लिश लैंग्वेज, ही नो वेरी वेल हाउ टू कन्वर्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू कम्युनिकेशन, ओके, हाउ टू कम्युनिकेट। सो ही रिप्लाइज, उसने रिप्लाई करता, वो रिप्लाई करता है, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके, हैव बीन आस्क्ड इन द नेट, ओके। मैं आपको बताती हूँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैलिबन प्रेस्पेरो को रिप्लाई करता है, कि स्पोकन बाय कैलिबन, कैलिबन है, उसने ये लाइन इंग्लिश में बोली थी, ओके। That is very important. Okay, my master though has, okay, taught me term. Okay, now I know how to curse. हाउ टू कर्स यू, तो उसने बोला मेरे मास्टर्स आपने ही मुझे दो हाउ टोट मी टंग, मतलब आपने ही मुझे लैंग्वेज सिखाई है, अब मैं जानता हूँ कि कर्स कैसे करना है, मतलब उसको जवाब बैक में कैसे देना है, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं ये आज, मतलब ये लैंग्वेज है जो आपने ही मुझे सिखाई है, अब इसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इसको इसमें इसी लैंग्वेज में ओके बैक करके रिप्लाई करके कस कैसे करना है या इसका रिप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये कैलिबन के द्वारा बोली गई थी ये लाइन, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा गया था ये लाइन किसने बोली है, या दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच कॉमेडी, ओके, ऑफ द विलियम शेक्सपियर, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, उधर उनकी जो जो प्रेस्पोर होता है उसके पास अब काफी मैजिकल पावर होती है, वो जानता है उसके पास डिफरेंट काइंड की मैजिक पावर होती है। तो वो एरियल को ऑर्डर देता है, जो उसकी एरियल जो उसकी सर्वेंट होती है, ठीक है, उसको ऑर्डर देता है कि जो उनकी सिप्रेक जो शादी में जा रहे थे, अलोंजो की डॉटर की शादी में गए हुए थे सभी, जैसे सिबेस्टियन, अलोंजो, ओके, गुंजेलो और एंटोनियो, सभी उसकी शादी को अटेंड करने गए हुए थे। तो आते टाइम उन्होंने उन्होंने एरियल को ये ऑर्डर दिया कि उनका उनकी सिप है वहाँ पे एक सिप रैक क्रिएट किया जाए, ठीक है, जादू से, और ये ध्यान में रखा जाए कि वो सभी मरे ना, सिप रैक में डूबे ना, सभी सेफली, हालांकि दे हाउ टू डिवाइड इन दिस सिप रैक, इस सिप्रेक में उनको डिवाइड होना होगा ग्रुप में, मतलब एक दूसरे से वो बिछड़ जाएंगे, लेकिन सेफली वो इस सिप्रेक में, इस आइसलैंड पे वापस आए, क्योंकि
क्योंकि 12 इयर्स पहले उन्होंने जो मेरे साथ किया, मुझे बैनिश किया था उस कंट्री से, मिलान से, तो मैं उसका, मैं उनको वो सफ़र सिखाना चाहती हूँ। तो एरियल जाती है वहाँ, सिप्रैक को क्रिएट करती है, जो वो सिख मैं सिप्रैक से अपनी डॉटर की शादी करके जब अलोंजो वापिस आ रहा होता है सभी ग्रुप के साथ, तो उस ग्रुप में ये सभी होते हैं। जैसे अलोंजो होता है, ठीक है, उसका भाई सेबेस्टियन होता है, अंटोनियो होता है, गोंजेलो होता है, ट्रिनकुलो होता है, ये 4-5 लोग होते हैं, और एक फर्डिनांड होता है जो अलोंजो का डॉटर सॉरी सन होता है, ये सभी उस सिप्रैक में होते हैं। ठीक है, तो वहाँ जादू से एरियल सिप्रैक कर देती है, वहाँ जो जहाज होता है वो उस पानी में डूब जाता है, लेकिन सभी लोग सेफली अलग अलग उस आइसलैंड पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट हैपन, फर्डिनांड है जो अलोंजो का सन है, वो अकेला ऐसा था जो कि एक अलग ग्रुप में चला जाता है। ठीक है, वो अपने आप को अकेला पाता है उस आइसलैंड पे, और उसने सोचा कि ऑल द पर्सन हु वाज प्रेजेंट द शिप ऑल हैव ड्रोन इनटू द सी, तो उसने ये सोचा कि जो लोग उनके साथ थे वो ऑलरेडी शिप में उस सी में डूब गए हैं, मैं अकेला ऐसा हूँ जो इस आइसलैंड पे अलाइव हूँ। ठीक है, तो वो उधर उनके फादर जो अलोंजो है, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, ऑल एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट दैट हिज अलोंजो थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज सन फर्डिनांड। ओके, तो उस अलोंजो सोचता है कि उसने अपने सन को खो दिया है, मे बी ही डाइड ड्रोन इनटू दिस सी। अब व्हाट हैपन नाउ, फर्डिनांड ओके ही मीट्स विद हिज डॉटर डॉटर मिरांडा। ओके, एंड मिरांडा इज वेरी इंप्रेस्ड टू मीट हिम बिकॉज फर्डिनांड इज द ओनली पर्सन्स पर्सन लाइक हिम, मतलब एक फेयर पर्सन, बिल्कुल फौजल जो बॉडीली स्ट्रक्चर था, एक प्रॉपर ह्यूमन बींग्स की तरह था, क्योंकि उस जो आइसलैंड पे जब मिरांडा रह रही थी वहाँ उसके फादर के अलावा एक कैलिबन था जो कि एक चुड़ैल से पैदा हुआ था, जो आधा एनिमल्स था आधा ह्यूमन बींग्स था। ठीक है, उसके बाद एरियल था, तो उन्होंने कभी 12 साल के बाद एक लंबे एक इंसान को देखा जो काफ़ी स्मार्ट था, एंड बोथ लव टू ईच अदर। ओके, और दोनों फॉल्स इनटू लव एट द फर्स्ट साइट। सो फर्डिनांड और मिरांडा दोनों उसी जब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ठीक है, बट प्रेस्पेरो, बिकॉज प्रेस्पेरो हैज ए मैजिकल पावर सो ही नो एवरीथिंग। ओके, ही इज़ वेरी इंप्रेस्ड विद द फर्डिनांड, बट ही वॉन्ट टू टेक ए टेस्ट ऑफ फर्डिनांड वेदर ही इज एबल टू हिज डॉटर और नॉट। ओके, देन ही गिव द टास्क ऑफ कटिंग द वेरी बिग एंड थिन ब्रिक्स, उसको काट लकड़ियाँ जो मोटी थी उसको काटने के लिए देता है पूरे दिन। ही वॉन्ट टू टेक हिज टेस्ट। ओके, सो वो देखता है कि ही डज वेरी वर्क हार्ड ऑफ कटिंग द ब्रिक्स। ओके, तो जो फर्डिनांड होता है वो बहुत हार्ड वर्क करता है मिरांडा के लिए। ओके, और फाइनली प्रोस्पेरो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरी जो डॉटर है उसके लिए एबल है, मतलब ओके, नाउ ही इज रेडी टू गेट मैरिड माई डॉटर। एंड देन दूसरी साइड जो एंटोनियो प्रेस्पेरो ओके ऑल दिस ओके नाउ एरियल ही ऑर्डर टू द एरियल दैट ऑल इज इनवाइटेड इनटू ए बीस्ट, एक जो खाने का इंतजाम किया जाए जहाँ सबको इनवाइट किया जाए। ठीक है, उसमें एंटोनियो एंजोलो सबको इनवाइट किया जाए। ओके, और उस इनविटेशन से क्योंकि वो जस्ट उनके जो प्रेस्पेरो रह रहा था वहाँ उसके जस्ट पास में ही रखा गया ये सब। ठीक है, नाउ जो एरियल थी खाने के बाद उन सबको अलोंजो के उसके सामने ले आती है। ठीक है, प्रेस्पेरो के सामने ले आती है और प्रेस्पेरो है वो उन सबको रिग्रेट करने के लिए ओके इफ ही वॉन्ट्स टू किल हिम ही कैन इजिली किल हिम बट ही वॉन्ट टू लर्न हिम सम एजुकेशन ही वॉन्ट टू ही वॉन्ट्स दैट दे रिग्रेट वॉट दे हैव डिड ओके विद हिम, तो वो चाहता था कि उसने उसके साथ क्या किया उस पर उन सबको रिग्रेट हो। ठीक है, ना उसने क्या किया उनको सबको बताया कि मैं चाहूँ तो आप लोगों को ये सब कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ आपने ये किया वो किया। ठीक है, ना जो अलोंजो होता है उसको भी बोला कि आपने अपने ऐसे पाप वाले कर्म करके आपने अपने सन को खो दिया फर्डिनांड को, आप ऐसा नहीं करते तो ये नहीं होता। ओके, ठीक है, ना अलोंजो उसको भी काफ़ी रिग्रेट हुआ। ठीक है, उसने अपने सन को खो दिया ये सब। तो जो एंटोनियो है प्रोस्पेरो का ब्रदर है ओके ही रिग्रेट एंड ही फॉरगिव फॉर व्हाट एवर ही डज विद हिम, उसने बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप प्लीज़ रिटर्न बैक टू मिलान एंड गेट योर थ्रोन, वो चाहता है कि आप वापस मिलान चले और अपना जो स्थान है वो जो थ्रोन है आपका ही इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके,
सो वो सब माफी मांगती है वहां पे सब। और उधर दूसरी साइड नाउ फर्डिनांड और मिरांडा है, उसको दिखाया जाता है कि अंदर होते हैं वो एक चेस खेल रहे होते हैं। तो अलोंजो है वो अपने अपने सन को लाइफ देके काफी खुश होता है वहाँ, ठीक है। और उसको जब पता चलता है कि फर्डिनांड के साथ इसकी शादी हो रही होती है क्योंकि इंगेजमेंट ऑलरेडी हो जाती है, तो वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और वो बैक वहीं चले जाते हैं अपने स्थान पे, तो स्टोरी यहीं फिनिश हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एक दो लाइन है मैं आपको बता देती हूँ। ये फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइफ, इसमें एक स्टेटमेंट है, क्यूटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पहले आ चुकी है। फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, ओके। तो ये स्टेटमेंट है, इट इज स्पोकन बाय एरियल, ओके। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये स्टेटमेंट है, ये एरियल के द्वारा बोली गई है, ठीक है। अब ये बोली किसको गई है, ये फर्डिनांड को बोली गई है, फर्डिनांड को बोली गई है, क्योंकि जो शिपरेक हुआ था उसमें फर्डिनांड ये सोचता है, वो भी एक बार अपने पेरेंट्स जो खो गए हैं वो ये सोचता है मे बी दे ऑल अलाइव, ओके। तो उनको वो एक स्टार्टिंग में जब उस आइसलैंड पे आता है तो वो उनको सबको सर्च मतलब खोजने के लिए देखता है जंगल में उधर उधर। तो जब उससे वो एरियल से मिलता है तो एरियल उसको बोलती है कि फुल फैदम फाइव दाई फादर डाइज, आपके जो फादर है वो फाइव फैदम एक मेजर्स है कि फाइव फैदम नीचे डूब गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, वो एरियल है वो फर्डिनांड को बताती है ये सब। तो ये स्टेटमेंट एरियल के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। अब है ओ ब्रेव नव वर्ल्ड, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ओके। सो दिस स्टेटमेंट है वो मिरांडा के द्वारा बोली गई है, मिरांडा, ओके। सो ये स्टेटमेंट है वो लास्ट में मिरांडा के द्वारा बोली जाती है, जो बैक जाते हैं वो अपने मिलान सिटी उधर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको कि ये स्टेटमेंट जो मिरांडा के द्वारा बोली गई है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये सभी स्टेटमेंट है वो टेम्पेस्ट कॉमेडी से रिलेटेड है आपको, क्योंकि वो नेम भी दे सकती है, जरूरी नहीं है पूछे कि ये किसके द्वारा बोली गई है। देखन आस्क यू दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्ले या विच कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टेम्पेस्ट, ठीक है। मैंने आपको जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड भी बता दिया है, ठीक है। अब आपको इनकी पोस्ट भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। ड्यूक ऑफ मिलान, ओके, कैलिबर, ऑल कैरेक्टर्स के नाम, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।